हे तो आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो भी वापस आ रहे हैं और तुम यही सोच रहे होगी कि कहाँ दिखाया जाएगा डिस्चार्ज सेरेमनी, क्योंकि आज 16 है और 17 कल हो जाएगा और कल ही है जेहोब का डिस्चार्ज सेरेमनी। तो बताती हूँ मैं कि तुम कहाँ देख सकते हो पूरी की पूरी डिस्चार्ज सेरेमनी, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगी, उससे पहले तुम्हें मेरी थोड़ी बकवास होनी पड़ेगी। तो चलो पहले बकवास शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहना ये जानने के लिए कि कहाँ देख सकते हो। तो पहले मैं बता दूं कि जेहोब जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं अपने डिस्चार्ज सेरेमनी के लिए और बिग हिट्स एंटरटेनमेंट ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि जेहोब वापस आ रहे हैं। उनका मिलिट्री टाइम जो था वो ख़त्म हो गया है, पूरे के पूरे 1 साल 8 महीने आई थिंक जेहोब ने दिए हैं मिलिट्री में और वहाँ पर उन्होंने सर्व किया है, जिनके बाद मिलिट्री में जाने वाले जेहोब ही थे। यही रीज़न है कि जेहोब वापस भी जिन के बाद ही आ रहे हैं। बिगेट्स ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जेहोब वापस आ रहे हैं और ये भी रिक्वेस्ट की है आर्मी से कि प्लीज़ 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 डिस्चार्ज सेरेमनी के पास मत पहुंच जाना। अब जो कोरियन आर्मी है वही जाएगी ना, इंटरनेशनल आर्मी कैसे जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये चीज़ें कही हैं बिगेट्स ने। जिन ने भी बहुत खुशी जाहिर की है कि वापस आ रहे हैं वो भी, साथ ही जिन ने कहा है कि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो भी वापस आ रहे हैं और साथ ही कहा कि टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तुम्हें बता दूं कि जिन ने काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर रखा है जेहोब के लिए और बाकी सारे BTS मेंबर जो हैं वो छुट्टी लगा रहे हैं अपना, लेकिन उनके चांसेस जो हैं वो कम ही बने हुए हैं कि सभी लोग एक साथ प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सबको छुट्टी नहीं मिलती है ना, क्योंकि मिलिट्री डेकोरम हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे आप आइडल हो चाहे आप नॉर्मल नागरिक हो। तो इस रीज़न से तो अभी देखो ये चीज़ पे तलवार लटकी हुई है कि BTS मेंबर वहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, BTS के सारे मेंबर। तुम्हें बता दूं कि जिनके टाइम तो सभी आए थे, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि छुट्टी मिलनी उन लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट आई होप कि सभी वापस आए। चलो तो कितना इंतज़ार करवाऊँ, बता ही देती हूँ कि आखिरकार कहाँ देख सकते हो जेहोब का डिस्चार्ज सेरेमनी। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तुम ये यूट्यूब पे देख पाओगे, बस चले जाना है डिस्पैच यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पर आता है लाइव। तो डिस्पैच पे जाके वहाँ पर तुम देखना, मॉर्निंग के टाइम में लाइव सेशन चल रहा होगा क्योंकि डिस्पैच कोरिया का एक न्यू चैनल है और वो सभी चीज़ कवर करता है। उसने शुगर का DUI केस भी कवर कर रखा था और जिनका डिस्चार्ज सेरेमनी हुआ था तो वहाँ पर देखने को मिला था, तो तुमको वो भी कभी देखने को मिलेगा। वेल एक और है कोरिया वो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई यूट्यूब चैनल है जिसपे कि वो लाइव दिखाएगा, बट यार लेकिन डिस्पैच पे तुमको कंफर्म मिलेगा, तो वहाँ जाके तुम देख सकती हो। ओके थैंक्स मी लेटर। तो